हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर वन चैनल मिशन वर्णों में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा में असमानता एवं विविधता, इनइक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। ठीक है, ये हमारा का टॉपिक है कि कक्षा में असमानता एवं विविधता किस प्रकार देखने को मिलता है, क्योंकि कक्षा में अलग अलग तरह के विद्यार्थी आते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग सामाजिक आर्थिक के, ठीक है, और अलग अलग जो है रहन सहन के जो है छात्र कक्षा में आते हैं। तो अध्यापक जो है इन छात्रों के साथ किस प्रकार असमानता और विविधता को ख़त्म करते हुए उनके साथ रहते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन भी बनता है कि कक्षा में असमानता एवं विविधता से क्या समझते हैं। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा के साथ समझाया जाता है और एक अच्छे नोट्स के साथ भी प्रोवाइड करा जाता है। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए, वहाँ से जो है आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा में असमानता एवं विविधता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना देखेंगे। भारतीय समाज का आधारभूत और महत्वपूर्ण पहलू विविधता है। भारत समाज का जो एक पहलू है जिसका नाम है विविधता, ये एक आधारभूत है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पहलू भारत समाज का माना गया है। ठीक है, हमारे सामाजिक जीवन की ये धरोहर है। विविधता में एकता का सूत्र इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग 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 लिंग, अलग अलग जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति, अलग अलग शारीरिक क्षमता, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के व्यक्ति जो हैं रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम विभिन्नता में एकता का सूत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, गरीबी और अमीरी या शिक्षित और अशिक्षित विविधता का रूप नहीं है, यहाँ यह तो लोगों के बीच ही असमानता है। इस असमानता के कारण जब हम ऊंच और नीचे समझने लगते हैं, तब हमारे मन में भेदभाव की भावना पनपती है। हमारे देश में सामाजिक और राजनीतिक जीवन असमानता जीवन को जानने के लिए ये विविधता या असमानता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में लोग कई सारे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। नदियाँ, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, जंगल, इन सभी के लोगों की रहन सहन एवं जीवन शैली अलग अलग होती है। इनकी अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना धर्म, अपनी जाति होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति रहते हैं और उसकी जीवन शैली जो होती है वो अलग अलग होती है, उसकी भाषा अलग होती है, उसकी रहन सहन अलग होती है, उसकी बोली अलग होती है, उसका खान पान अलग होता है। ठीक है, तो इन सभी व्यक्तियों की जो रहन सहन होती है, उसका जीवन शैली जो होता है वो अलग अलग होता है। अतः हम पराए अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म की घृणा मानते हैं, इससे असमानता की भावना जागृत होती है। पराया व्यक्ति में ये देखा जाता है कि पराया जो है वो अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को क्या मानते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो इससे क्या फैलती है समाज में, एक असमानता की भावना जागृत होती है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते थे, इसे ही हम लोग असमानता और विविधता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे असमानता का अर्थ। ठीक है, असमानता का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी। समान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द सम से ली गई है, जिसका अर्थ होता है बराबर, है ना। अर्थ जबकि समान का प्रतिलोम असमानता है। समान का प्रतिलोम कौन है, असमानता है, अर्थात बराबर नहीं, यानी असमानता का मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक है, अर्थात जब विविधता से परिपूर्ण समाज में विविधता के ही आधार पर, जैसे कुल, निवास स्थान, भाषा, आस्था, मान्यता, धर्म संप्रदाय के आधार पर सुविधाएं एवं अवसरों से वंचित किया जाता है और लोगों को उसी स्थिति में रहने को बाध्य किया जाता है, इसे ही हम लोग असमानता कहते हैं। ठीक है, मतलब असमानता का अर्थ हुआ कि जब हम लोग समाज में, है ना, कुल, निवास स्थान, भाषा, आस्था, मान्यता, धर्म संप्रदाय के आधार पर सुविधाएं अवसरों से उन व्यक्तियों को वंचित रखा जाता है, यानी नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों की स्थिति में रहने में क्या होने लगती है, उन्हें दिक्कतें आने लगती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमानता। ठीक है, आगे देखते हैं। ये संसार विविधताओं से भरपूर है। व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन
कि सभी क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है। जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, धार्मिक मान्यताओं आदि के व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान के द्वारा पहचान की जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो है मतलब व्यक्तिगत मतभेद की पहचान के अनुसार, सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्तियों के अनुसार जो है व्यक्तियों में क्या दिखी जाती है, असमानता पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे असमानता का अर्थ समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे विविधता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ क्या होता है? विविधता शब्द अंग्रेजी के डाइवर्सिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे से भिन्नता। ठीक है, उसमें असमानता का अर्थ होता है बराबर नहीं है, और विविधता का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति जो है कैसी रखनी है, विभिन्नता रखनी है। ठीक है, हर कोई अपनी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति के कारण एक दूसरे से अलग व अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सोच, विचारधारा, नस्ल, लिंग, धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार इत्यादि उसे दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। मतलब सभी व्यक्ति की जो है अपनी निजी सोच, विचारधारा, नस्ल, लिंग, धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार ये जो है एक दूसरे से क्या करती है, अलग बनाती है। इसी भिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। इसी भिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का रहन सहन हो गया, भाषा हो गया, त्यौहार हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, इन्हीं के आधार पर व्यक्तियों में जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है उनके रहन सहन एक दूसरे के प्रति जो है बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार रंग, रूप, संस्कृति, जातीय, प्रजातीय एवं धार्मिक विविधताओं के अतिरिक्त अनुवांशिक तथा खान पान के कारण भारत में शारीरिक विविधताएं भी व्यापक रूप से पाई जाती है। शारीरिक विविधता का मतलब कोई जो है शारीरिक रूप से ग्रसित होते हैं। ठीक है, या तो उसको सुनने की क्षमता है ना, देखने की क्षमता, या फिर जो है वो शारीरिक रूप से जो है अपंग होते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों के प्रति जो है जहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे का जो है वो असमानता पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। इस कारण शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के समावेशन और पृथककरण की प्रक्रिया व्यापक रूप से प्रचलित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विविधता का अर्थ देखिए, और एक मनोवैज्ञानिक इसका परिभाषा दिया था विविधता का, जिसका नाम था गिटलर के अनुसार। गिटलर महोदय ने क्या कहा था, विभिन्नता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाए जाते हैं। ये बात कही थी गिटलर के अनुसार विविधता का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कक्षा में असमानता एवं विविधता, कक्षा में किस प्रकार असमानता और विविधता देखी जाती है, इस पर बात करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों की शक्तियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, वह किस तरह की भाषाई संस्कृति और अनुभव लेकर कक्षा में आए हैं, जिससे अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को उन्नत किया जा सके। क्योंकि कक्षा में अलग अलग समाज से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से है ना व्यक्ति पढ़ने, यानी कि छात्र जो है पढ़ने आते हैं, तो अध्यापक को चाहिए कि उनकी जो है उन शक्तियों की पहचान करे, ताकि जो है अध्यापक उनको पढ़ाने में यानी उपलब्धि कराने में जो है उन्हें क्या मिले, मदद मिले। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है। मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको विद्यालय में जो है अलग से एक विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की जो है क्षमता प्राप्त होती है। विद्यालय में कक्षा कक्ष में विविध भाषाओं और संस्कृति के विद्यार्थी होते हैं। अध्यापक बालकों के विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं की विविधता के कारण निम्न अपेक्षाएं करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि विद्यालय में जो है अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के जो है विद्यार्थी आते हैं, तो अध्यापक इन बालकों के संस्कृतियों भाषाओं को ध्यान में रखते हुए जो है निम्नलिखित अपेक्षाएं करनी चाहिए। ठीक है, पहला नंबर अपेक्षाएं, अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी भाषा पर निपुण होता है। प्रत्येक अध्यापक ये समझता है कि अध्यापक को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी भाषा में क्या होता है, निपुण होता है, वो अपने क्षेत्रीय भाषा में एक निपुण होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, अध्यापक को पता होना चाहिए कि संस्कृति और भाषाई विविधता का प्रभाव उनके अध्यापन के तरीके और विद्यार्थियों के संबंध पर पड़ता है। मतलब अध्यापक जो भी अपना शिक्षण कराता है, तो उसमें संस्कृति और भाषाई विविधता के प्रभाव से जो अध्यापन के तरीके विद्यार्थियों के संबंध पर पड़ता है। अध्यापक जिस प्रकार का जो है अध्ययन कराता है, उनके जो विद्यार्थी के साथ उस तरह का संबंध प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
कभी कभी अध्यापक को उनके घर भी जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को लगे कि आप सचमुच में उसके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापक को कभी कभार अपने विद्यार्थी की जानने के लिए कि विद्यार्थी जो है किस समाज से आते हैं, उसका रहन सहन क्या है, तो उनके जो है घरों की ओर चलना चाहिए, घर की ओर जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को भी लगे कि वो जो है सही में जो है अध्यापक हमारी जो है निगरानी करते हैं और मेरे बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बालकों को भाषाई विविधता के सम्मान देना चाहिए, बालकों का जो भाषाई विविधता होती है उनका जो क्या करना चाहिए, अध्यापक को सम्मान करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों में उत्पन्न कठिनाइयों को उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को नहीं मानना चाहिए। विद्यार्थियों में उत्पन्न कठिनाई जो होती है उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब समाज, मतलब बच्चे की जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अगर बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको कठिनाई होती है, तो उनको अध्यापक को जो है उन स्थिति में जो है उन्हें पढ़ाना चाहिए, उनकी कठिनाई को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जातीय एवं सामाजिक विविधताएं। जातीय और सामाजिक विविधता क्या होती है, कक्षा में विभिन्न जाति के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जहाँ समावेशी शिक्षा में विभिन्न जाति के व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा एक समाज में रहकर देती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वैसी शिक्षा जहाँ पे एक ही विद्यालय में एक कक्षा में सभी बालकों को, सामान्य बालक रहे या विशिष्ट बालक रहे या फिर किसी भी प्रजाति, सामाजिक आर्थिक स्तर या किसी भी जो है जाति या फिर किसी भी प्रजाति के बालक जो है को एक साथ रहकर जो है शिक्षा दी जाती है, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस टॉपिक पर जो है वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उस पर जो है समावेशी शिक्षा को देख सकते हैं, ठीक है। कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से बालक आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक रूप से कमजोर वर्ग, विस्थापित मजदूर, खानाबदोश, शहरी गरीब, विशिष्ट बालक आदि वर्गों का विद्यालय में नामांकन तो करा देते हैं, परंतु बालक समय से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। बालकों को कक्षा में विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ सामाजिक दृष्टि से वंचित समुदाय के बच्चों को कक्षा में काफ़ी कठिनाई होती है, तो यहाँ तक कि अध्यापक भी इन बच्चों के साथ भेदभाव की भावना रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि समाज में जो है कैसे जाति और समाज विविधताएं को जो है कक्षा में लाया जाता है, और बच्चे को जो है, बच्चे पर भी अध्यापक किस प्रकार से जो है जाति एवं समाज विविधताएँ करते हैं, इस पर हम लोग आज बात करें। उम्मीद करते हैं आप लोग को कक्षा में असमांतर विविधता को जो जहाँ देखने मिलता है ये वाला टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।